यार ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगती है, जब झेला नहीं जाता पब्लिक अपने आप उस पर आ जाते हैं कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा है अब किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूट्यूब वूट्यूब पर पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, मैं देख रहा हूँ अभी मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ। वीडियो भाई रिमूव हो गई, यूट्यूब से सुबह सुबह बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी, कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता ठीक है अभी, लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसीलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा, अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी बस। मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर की, आपने बढ़िया स्केच वीडियो बनाई है और अपने वीडियो डालेंगे अपने मेन चैनल के ऊपर। फिर सुबह सुबह मेरे पास मैसेजेस आते हैं लिंक्स के कि ये देखो भाई, ये देखो आमिर सिद्दीकी ने क्या निकाला है। लाइक डिसलाइक से पता चल गई होगी औकात, पर उस वीडियो खोल के देखो, वैसे खोलना मत, अगर खोल ली हो बता देता हूँ, उस वीडियो कंटेंट मैं हूँ। और फिर साले ने फिर एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर बेवकूफ़ बेवकूफ़ से, इस बार ना ऐसे त्रिशूल लूंगा पीछे से और ऐसे घुमा दूंगा, आएगी नई वीडियो। तो जो अपनी नई वीडियो आ रही है लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर, और उसमें भाई सारे बड़े बड़े जितने भी तुम सोच रहे हो टिकटॉक आर्टिस्ट है सब है उसमें। तो एक दो दिन में, कल शायद उसकी एडिटिंग खत्म हो जाएगी, परसों वीडियो आ सकती है। कल मैं आपको पूरा फाइनल बता दूंगा कि वीडियो कब आ रही है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई टिकटॉक पे हिट कैसे हुआ जाए, फेमस कैसे हुआ जाए, वायरल कैसे हुआ जाए। इस वीडियो में तुम्हें हर चीज का जवाब मिलेगा और बिल्कुल पॉइंट के साथ मिलेगा, ऐसे नहीं कि मजा मस्ती में उड़ा दे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है कि भाई ऐसे तुम वायरल होगे और हो जाओगे अगर तुम वो चीज करोगे। तो वीडियो का इंतजार करना, परसों आ जाएगी। और भाई मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान को कभी सोच रहा हूँ कि किसी का नाम लिया हो कि ये जितने भी है बड़े बड़े टिकटॉक की, इनको भाई डीफेम कराया, फिर इनको इनकी बेइज्जती करी, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बेइज्जती तो क्या ही करनी है अब, क्योंकि हो रखी है। तो हमने बिल्कुल पर्टिकुलर आदमी को नहीं पकड़ा, तो क्या बोलते हैं उसको, मैं समझ ना आ रही, ऐसी डाल रहा हूँ स्टोरी, अब देख लेना। तो यार मैंने जब ये वीडियो बनाई थी अपनी रोस्ट वाली, मैंने सोचा नहीं था कि यार ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक इतना बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। अब यूट्यूब बोल के देख रहा हूँ, हर चौथी वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे मिल रही है और बहुत बेइज्जती हो रही है टिकटॉकर्स की जो करो और करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा तुम्हारे पीछे, जिम जम के बनाओ वीडियो और फाड़ दो, तुम गांड फाड़ दो। पर किसी पर्टिकुलर इंसान को हेट नहीं पहुंचानी है, मजाक उड़ा लो, रोस्ट करो, खूब जम के करो, बट हेट नहीं, समझ गए मेरी बात। अभी पिछली स्टोरी वाले रिप्लाई करेंगे, ओ भाई तुम तो ये कह रहे हो फाड़ दो, ऐसा नहीं, हेट नहीं। सबसे पहले तो सभी भाइयों का और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं सबको थैंक यू मेरी तरफ से, 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हम लोग वाले चैनल पे, जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे, बहुत खुशी मनाऊंगा। और बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोलते रहते हैं भाई तुम रोस्ट किया करो अपनी स्टोरीज में, जैसे स्टोरी है तो इसमें कोई बिठा कर रोस्ट कर दूंगा। तो उसी के लिए मैं आज तुम लोग के लेकर आया हूँ दुल्हन, सही सुना तुमने, दुल्हन ही लेकर आया हूँ, तुम एक बार देखो। किधर है, क्या चूड़ी, कैसा चूड़ी, भाई बकायदा चूड़ा पहन रहा, चूड़ी ना ले रहा है, चूड़ा पहन रहा, जो दुल्हन वुल्हन पहनती है ना अपनी शादी पे, शादी के बाद कई लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, वो पहन रहा बकायदा। तो भाई अरसे मैं कहना चाहूंगा, भाई अगर तुम्हें लड़की बनने का इतना शौक है ना भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना टेक्नोलॉजी, तुम ये सब करना छोड़ दो, तुम सीधा एक काम करो, लड़की बन जाओ, फिर चूड़ा पहनो, पेटीकोट पहनो, घाघरा पहनो, जो मर्जी तुम्हारा जी करे ना वो पहनो, पर यार ये बकचोदी मत करो। तो मैं उन टिकटॉकर से पूछना चाहूंगा जो कह रहे थे कि तुमने बॉडी शेम करा, तुमने गाड़ी बकी है, बड़े बड़े रोस्टर्स ऐसा नहीं करते, कैरी मिनाटी की वीडियो आई है तुम्हें देख के पता चल गई होगी, तुम ऐसा फील हो रहा हो तुमको कि भाई ऐसे डंडी ऊपर से जा रही थी, पकड़ के हमने ना पीछे ले ली और भाई उस डंडी पे लग रहा था तेल, कैरी मिनाटी ने वीडियो निकाल दी, अब आएगा डीनो जेम्स का गाना, वो भी तुम सुनना, और मेरी भी एक वीडियो आ रही है लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर, तुम उसे भी देखना, तो फिर तुम कहो उड़ती डंडी फिर पीछे ले। यार एक बात है, मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, ऑफेंड मत होना, हो जाना, चलो कोई दिक्कत ना हो जाना,
जो लड़कियां छोटे बच्चों की साउंड पे वीडियो बनाती है ना, छोटे बच्चा कोई बोल रहा हो उसकी लिप सिंक करती है यार, मत बनाया करो यार, तुम बहुत बुरी लगती हो, क्यूट नहीं लगती यार, प्लीज। एक बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं, क्या कह रहा था? भैया जी एंगेजमेंट। हाँ हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है। और क्या था? हाँ अगर हम यूट्यूब पे आ गए तो क्या कर देंगे? भैया जी तहस नहस, खत्म। खत्म कर देंगे। कह रहा हूं उठाओ दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताऊंगा, भगलो भगलो। और क्या बोला था? एक और बोला था कुछ, फेस वैल्यू। I'm sorry guys, I'm sorry. अब मजाक नहीं, बहुत सीरियस हो गया, प्लीज अब सीरियस। ठीक है भाई। पर वैसे वो एक और बात कह रहा था, क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा। क्रिंज इन 200। जो एंगेजमेंट का घमंड है ना, एक मस्त फैक्ट बताता हूं मैं। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए। 1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स आए टिकटॉक पे, 2 मिलियन। जो एंगेजमेंट का जो बबल है ना आपका, ये जो घमंड है ना, ये एक दिन फूट जाएगा। क्योंकि अगर हम सब यूट्यूबर्स ने अपना ओरिजिनल कंटेंट, पुराना भी, टिकटॉक पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना रेगुलरली, तो फिर बात हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे। ये जो भी आज ये कैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो। मैं लाफा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये कर दूंगा। पहले तो कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूबर ने रोस्ट किया टिकटॉक वाले लोग को, जिसके अंदर उसने लड़कियों को बॉडी शेमिंग किया और फालतू बातें थे टिकटॉकर्स लोग को लेके रिलेटेड। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया हुआ है। और फिर उसके बाद अगर तुम कोई लड़की को बॉडी शेम करते हो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए या व्यूज़ के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, तो ये गलत है। अगर तुम किसी को रोस्ट भी कर रहे हो तो यार करो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार वो मर्यादा और लिमिट्स रख के करो कि कोई पर्सनली ना ले, उनको बुरा ना लगे। यार तुम बहुत लोग रोस्ट करते हैं लेकिन वो अच्छा भी करते हैं ना। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था मैं कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं, बड़े छोटे, ऐसा मैंने बोला कि एंगेजमेंट की बात है तो फैक्ट है कि हमारे एंगेजमेंट आज के टाइम पे हाई है, क्योंकि लोगों को टिकटॉक पसंद है, पसंद है। पहले सेलिब्रिटीज नहीं थे प्लेटफॉर्म पे, सेलिब्रिटीज आ गए, यूट्यूबर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके। तो ये रोस्टिंग कम्युनिटी जो है, कौन सी बात से तुमको प्रॉब्लम हो गई थी और चिड़ हो गई थी? अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। ये टॉपिक था टिकटॉक और यूट्यूब, बट तुमने इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। तुम बोल रहे हो कि रमजान ही एक अच्छा टाइम है तुम्हारी बजाऊंगा क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे। कम ऑन, ये कौन बोलता है यार? ये सोशल मीडिया को यूज करके हमको पीस, लव और ह्यूमैनिटी स्प्रेड करना है। आज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, कोरोना वायरस और बहुत सारी चीजें, तो ये चीजों के बीच में हम लोग रिलीजन क्यों ला रहे हैं यार? जो प्योर हिंदू, प्योर मुस्लिम, दे आर टुगेदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, उन लोग साथ में रह रहे, तो तुम जैसे गूंज की वजह से मेरे को नहीं चाहिए कि ये यूनिटी खराब हो लोगों की। यूनिटी मत खराब करो यार, कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, अरे ये टॉप पे क्यों जा रहा है, उसको रोस्ट करो, ये क्यों कर रहा है, वो ऐसा ऐसा, ये सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? अभी मैंने वो लक्ष्य चौधरी, बेसिकली एक लड़का है जो रोस्टिंग कम्युनिटी से यूट्यूब पे है और इंस्टा पे, वो अपनी स्टोरी में डाल रहा है खेतों में जाके गाली गलौज कर रहा है मेरे को। भाई यार तू बड़ा इंसान है, तू गाली देके एंटरटेन कर सकता है लोगों को, मैं नहीं कर सकता, तू मेरे को गाली देके तेरे को खुशी मिल रही है और गाली दे तू, भाई मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू टीम 07 को गाली दे रहा है क्या? तू पहचानता है वो अदनान कौन है? अदनान पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस जहां जहां तुमको लगता है कि कोई बंदा हेट फैला रहा है, अनफॉलो और रिपोर्ट करो, बात ही खत्म करो। अगर तुमको लगता है कि कोई हेट फैला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, कोई लड़की की इज्जत नहीं कर रहा है, अनफॉलो करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बहुत चल रहा है लाइफ और हेट हो रहा था थोड़ा बहुत, और ज्यादा होएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ लोगों के वजह से सबको बोल रहे हैं। इन लोग जाहिल लोग हैं, इन लोग एक तो पहली बात तो जितना जेलस, जितना हेट फैलाने में टाइम निकाल लगा रहे हैं इन लोग, वही टाइम अगर इन लोग खुद को ग्रूम करने में लगाएंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे हेल्दी, तो शायद इन लोग अपना खुद का फोटो कवर में डाल के यूज करके व्यूज कमा सकते हैं, फिर हम लोग का वीडियो, हम लोग का कवर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली यार, मतलब अदनान हैव यू सीन सब थंबनेल्स में सिर्फ टिकटॉकर्स के फोटो डाले? मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हम लोग के ग्रुप का नाम लिया गया, मेरे ग्रुप का, कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग की हैसियत क्या है, तो हम लोग की हैसियत बताने वाले इन लोग कोई नहीं है। अभी कुछ मत बोलो, रमजान का महीना है, अल्लाह इन लोग को अकल देवे, बस यही yes, दुआ, yes, बस दुआ करेंगे अपन सबके लिए। लोग जाहिल लोग लड़कियों को भी रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, रोस्ट भी एक करा जाता है यूट्यूब पे, इन लोग कर रहे हैं चैनल, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको गाली नहीं देते इन लोग की माँ बहन को, इन लोग लगता है इज्जत नहीं देते हैं, इन लोग की तरबियत वैसी मिली इन लोग, वो खानदान से, इससे पता चलता है कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या, तरबियत दिया इन लोग को, तो इससे गंदा करके मतलब नहीं है। मेन सबसे ज्यादा मेरे को बुरा क्या लगा, दो चार लड़कियां हैं जो टिकटॉकर्स है, मैं सबका नाम मेंशन नहीं करूंगा मगर समझने वाले समझ जाएंगे कि इन लोग, उन लोगों को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी माँ बहन की,
इन लोग या तो फिर अपनी माँ बहन से भी वैसी बात करते रहेंगे तभी ये दूसरी की लड़की की माँ बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। तुम लड़के के साथ रोस्ट कर रहे हो ठीक है, रमजान का महीना तुम गालियां दे रहे हो। अगर कोई ज्यादा टेंशन में चली गई, प्रॉब्लम हो गया, मेंटली स्ट्रेस हो गया, तो फिर कुछ खुदा ना खास्ता कर ले तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। और जो लोग गालियां दे रहे हैं माँ बहन को, लड़कियों को, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इग्नोर करो वैसे लोगों को, रिपोर्ट करो आप जाके। एग्जैक्टली जो कोई गलत बात कर रहा है गाइस, गाली गलौज कर रहा है, रिपोर्ट करो और खत्म करो, और बिल्कुल उनको बढ़ावा मत दो। चलो मैं ओपनली नाम लेता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। एल्विश वाज द गाय, एल्विश यादव, जिसने रोस्ट चालू किया था पहले, और उसके बाद उसका एक फ्रेंड है कोई तो लक्ष्य चौधरी, और वो बंदा लक्ष्य जो चौधरी है, मैं एल्विश से बात करूं तो मेरे को समझ में आता है मेरी और एल्विश की बातें और वो कम्युनिटी की बातें, ये लक्ष्य क्या क्यों बीच बीच में पढ़ के गाली गलौज कर रहा है सबको, खेत में जा रहा है बंदर जैसा कूद रहा है, और ये अपने यूट्यूब के वीडियोज में ये लक्ष्य चौधरी बोलता है कि वी आर रियल इन्फ्लुएंसर्स। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को? लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि माँ बहन की गालियां दो, ये सब फालतूगिरी करो, हेट फैलाओ। सही में एक बात बोलूं मैं एल्विश, मेरे को ना तेरे से कोई हेट नहीं है भाई, ना मेरे को तेरे से कोई तकलीफ है, ना मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम है। एक टाइम था मैं जब तेरे वीडियोस देखता था, तू अच्छे खासे वीडियोस बना रहा था, भले तू किसी को कॉपी कर रहा था, कैसे भी वीडियोस बना रहा था, अच्छे वीडियोस बना रहा था, वेर तू एक्टिंग करता था, तेरा कंटेंट अच्छा था, क्या जरूरत थी ये रोस्टिंग वोस्टिंग करके आने के लिए इधर? अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा रखता। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार कि मैं वो बंदे को देखा हूं, मैंने उसके वीडियोस में, एक अवार्ड शो में उसके बाजू में बैठा हुआ था, मेरे को मालूम है, तो आई विल बी वेरी प्राउड कि मेरे को रोस्ट करेगा वो, अच्छा लगेगा। मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, सोचो एक टिकटॉकर के लिए इतने सारे यूट्यूबर्स लोग ने वीडियो बना दी, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या हुआ, बनाया ना एक बंदे ने, तो सोचो अगर सारे टिकटॉकर्स बोलने लग जाएंगे तो क्या होगा। और मैं ये एल्विश को भी बोलना चाहूंगा, एल्विश मेरा भाई, मेरे को तेरे से कोई हेट नहीं है, आई यूज टू सी योर वीडियोज, एंड जब तू अच्छे वीडियोज बनाता था स्कूल लाइफ और ये सब के वीडियोज दिखाता था, खाली फोकट रोस्टिंग पोस्टिंग करके गाली गलौज करके क्या मिल रहा है तेरे को? तू खुद भी तो टिकटॉक पे है, तूने खुद ने भी, तू अगर क्रिंज बोल रहा है, कूड़ा कचरा बोल रहा है टिकटॉकर्स लोग का उठा के तू दिखाएगा, तो तूने भी तो टिकटॉक पे वही सेम वीडियोस बनाया, लिपसिंग किया है, क्यों किया? अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कूड़ा कचरा उठाना था, तो तेरा कूड़ा कचरा पहले तो उठाना।